हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पुश ऑपरेशन एल्गोरिथम एंड इट्स फंक्शन ऑन द स्टैक। स्टैक की पुश एल्गोरिथम कैसे काम करती है, कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको एल्गोरिथम से फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस सीरीज में आज हम लर्न करेंगे। सो आइए बात करते हैं एल्गोरिथम की। ये पुश ऑपरेशन है, स्टैक के पुश ऑपरेशन की एल्गोरिथम है। अब एल्गोरिथम में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर हमारा स्टैक का साइज फुल है तो हम उस में एलिमेंट इंटर नहीं कर सकते, तो एल्गोरिथम डिज़ाइन करते समय ये कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम एलिमेंट इंटर कर सकते हैं, केवल यही दो कंडीशन स्टैक में हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। आइए इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हेयर स्टैक साइज इज 4, मैक्स साइज हमने 4 लिया है और 4 एलिमेंट इंटर कर सकते हैं। अरे के इंडेक्सिंग 0 से 3 तक से स्टार्ट करते हैं, 0 से 3 तक, तो इट मींस 4 एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो गया। अब हम चेक करते हैं एल्गोरिथम में, टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज माइनस 1। टॉप कितना है? 3 है, मैक्स साइज 4 है, 4 माइनस 1 3, 3 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स स्टैक इज फुल, वी कैन नॉट इंटर मोर एलिमेंट हेयर। ओके, अब बात करते हैं जब स्टैक एम्प्टी होगा। ओके, नेक्स्ट फिगर से हम समझते हैं। अब इधर स्टैक पूरा एम्प्टी है, एम्प्टी स्टैक होता है तो टॉप माइनस 1 पर होता है, इसको बोलते हैं अंडर फ्लो कंडीशन। फुल को क्या बोलते हैं? ओवर फ्लो कंडीशन। अब इफ कंडीशन नहीं चलेगा क्योंकि टॉप ऑलरेडी माइनस 1 है और मैक्स साइज 4 माइनस 1 3 है, तो माइनस 1 और 3 कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो देन एल्स पार्ट वर्क करेगा। अब हम टॉप पुश ऑपरेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई एलिमेंट इंटर होता है टॉप को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीमेंटेड बाय 1। ओके, टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, इट मींस एक एलिमेंट इंटर हो गया स्टैक में और स्टैक का जो एरे है उसमें एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे। स्टोर इसलिए करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम जब प्रिंट करेंगे डिस्प्ले फंक्शन में तो कैसे देखेंगे कि क्या स्टैक है हमारा क्या नहीं। सो इस लाइन को इसलिए लिखा गया एल्गोरिथम में। ओके, अब हम सपोज करो स्टैक में एलिमेंट इंटर करना चाहते हैं। ओके, तो हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सपोज करो हमने एलिमेंट इंटर किया 10, देन स्टैक टॉप कहाँ चला गया? टॉप हमारा यहाँ चला गया। अगर हमने 20 एलिमेंट इंटर किया तो टॉप हमारा कहाँ चला गया? टॉप अब हमारा यहाँ चला गया। हमने एक और एलिमेंट इंटर किया तो टॉप कहाँ चला गया? हमारा यहाँ चला गया। और हमने एक और एलिमेंट इंटर किया 40, तो टॉप हमारा यहाँ चला गया। अब टॉप हमारा किस पे है? 3 पे है। ठीक है, अब हम कोई और एलिमेंट सपोज करो इंटर करना चाहें 50, तो हमारा स्टैक कभी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि मैक्स साइज से एक्सीड कर गया है, तो ये हमारा क्या देगा? फुल देगा। ठीक है, ये हमारा फुल स्टैक देगा। ओके, नेक्स्ट में हम सीखते हैं इस एल्गोरिथम से फंक्शन को कैसे डिजाइन करेंगे। ओके, सो ये हमारा फंक्शन है। सेम चीज एल्गोरिथम को फंक्शन से हमने कन्वर्ट किया है। इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज माइनस 1, देन स्टैक इज फुल, अदरवाइज वी शुड इंटर इन द एल्स कंडीशन। ओके, इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई है तो वी कैन एग्जिट, इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई है तो एल्स में जाएगा। इसको भी हम एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं इस फंक्शन को। सपोज टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज माइनस 1, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। आप इस पर और देखेंगे तो और आपके दिमाग में ग्रैप हो जाएगा। कोई भी चीज़ों को 3 से 4 से 5 से 6 बार कम से कम चीजों को ध्यान से देखना चाहिए ताकि वो काफी देर तक माइंड में रहे। अब टॉप इज इक्वल टू 3, मैक्स साइज माइनस 1 3, स्टैक इज फुल। इस कंडीशन में अब हम कोई भी एलिमेंट एंटर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एम्प्टी स्टैक की। अब हमारा ये स्टैक एम्प्टी है, अब इफ नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि टॉप ऑलरेडी माइनस 1 है और मैक्स साइज 3 है तो इक्वल नहीं है, तो एल्स पार्ट में आएगा। हमने हमेशा बोला है जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। ओके, अब सपोज हमने 5 एलिमेंट इंटर करना चाह रहे हैं इस स्टैक साइज में। ओके,
साइज 4 है बट हम 5 इंटर करना चाहते हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे क्या होता है फिफ्थ एलिमेंट इंटर होता है तो। ठीक, अब हम सबसे पहले 10 एलिमेंट इसमें पुश करेंगे इस स्टैक में, तो क्या क्या चेंजेस होगा, एक तो ये एम्प्टी नहीं रहेगा, ओके। दूसरा, स्टैक का जो टॉप है वो 0 पे चला जाएगा, ओके, अभी -1 पे है, तो टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाई वंस वन व्हेन वी गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द स्टैक, ओके। सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट फर्स्ट 10 एलिमेंट हेयर, वंस वी इंटर्ड 10 एलिमेंट सो ऑटोमेटिकली टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड 1, ओके, टॉप इंक्रीमेंट हो गया यहाँ 1, तो 1 इंक्रीमेंट हुआ तो जी पहले -1 था, अब क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले -1 था, अब 0 हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की पुश करने की, जब 20 एलिमेंट पुश करेंगे तो क्या होगा, टॉप क्या हो जाएगा, टॉप अब हमारा 1 पे हो गया, ओके। अब हमारा 10 हो गया, 20 हो गया, अब हम 30 एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट थर्ड नंबर वाला 30 है, इसको एंट्री करते हैं, फिर क्या होगा, टॉप हमारा एक और बढ़ जाएगा 2 पे, ठीक है। अभी टॉप 2 पे है, ध्यान से देखिए, एलिमेंट जब 40 इंटर करेंगे तो टॉप हमारा यहाँ पे चला जाएगा और स्टैक में एक एलिमेंट और एंट्री हो जाएगी। अब स्टैक हमारा फुल हो चुका है, साइज 4 है, एलिमेंट 4 हम एंटर कर चुके हैं, ये फिफ्थ वाला हमने ले लिया है एक्स्ट्रा समझाने के लिए आपको। अब हम फिफ्थ एलिमेंट एंटर करेंगे तो क्या होगा, स्टैक हमको फुल देगा, इट मीन्स मैक्स साइज से ज़्यादा एलिमेंट को हम एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इस सीरीज में हमने आपको बताया कि एल्गोरिथम क्या होती है पुश ऑपरेशन की, और उसके फंक्शन क्या होते हैं, और उस फंक्शन को कैसे हम अपने समझने के लिए इस फिगर से समझेंगे ताकि दिमाग में हमारे बैठ जाए, जब हम पूरे स्टैक की प्रोग्रामिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ अरे आर लिंक लिस्ट, तो ये सब चीज़ें वहाँ आपको फंसेंगी नहीं, चीज़ें को आप कायदे से ग्रैप किए रहेंगे। तो मेरा एम यही था कि इसको बार बार स्प्लिट करके एल्गोरिथम और फंक्शन को डिज़ाइन करना, और एक साथ एल्गोरिथम और फंक्शन को कंबाइन करके आपको दिखाना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट, थैंक यू, बाय बाय।